प्रदेश सरकार की सख्ती के बाद ही मध्य प्रदेश में भू माफिया सक्रिय हैं और अपनी दबंगई दिखाकर लोगों को परेशान कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला शहडोल जिले का सामने आया, जहां अपने आप को कांग्रेस का नेता बताने वाला भू माफिया हरीश अरोड़ा बिट्टू लेवर के 10 लाख रुपए हजम कर गया। फरियादी मोहम्मद हामिद ने बताया कि मेरे द्वारा आजाद डेवलपर्स पार्टनर्स हरीश अरोड़ा बिट्टू राज रेजिडेंसी पांडव नगर वार्ड नंबर 9 शहडोल जिला के यहाँ सेंटिंग और निर्माण कार्य किया गया था, लेकिन अब तक लेबर का भुगतान नहीं किया गया। इसके अलावा भू माफिया ने बलपूर्वक और अपने जन धन बल का प्रयोग करते हुए मेरी मशीनों और सामान को भी जब्त कर लिया। जब मैंने लेबर के पैसे मांगे तो मुझे जान से मारने की धमकी दी गई। उन्होंने कहा मैंने भू माफिया हरीश अरोड़ा बिट्टू के खिलाफ थाना सुहागपुर SP शहडोल और कलेक्टर शहडोल को शिकायत भी की, लेकिन अब तक उन्हें न्याय नहीं मिला। उन्होंने शासन प्रशासन से तत्काल प्रभाव से भू माफिया हरीश अरोड़ा बिट्टू के खिलाफ कार्रवाई कर उनके रुके हुए करीब 20 लाख रुपए की राशि का भुगतान कराने की मांग की है। मेरा नाम मोहम्मद हामिद, मैंने शहडोल को क्या मांग कर रहे हैं? यही मांग कर रहे हैं सर कि हमारा लेबर पेमेंट और हमारा सामान वामान सब पूरा जब्त कर लिए गए। हरीश अरोड़ा बिट्टू अरोड़ा, उन्होंने काम हमसे हमको दिया, हमने काम करवाया, एग्रीमेंट के हिसाब से काम किए। थोड़ा बहुत बाकी है सर, 2-3-4 महीने का फिनिशिंग, वो हमको भगा दिए गए वहाँ से, और हमारा पैसा पीछे सब चल रहे हैं। और उसी पीछे सब करीब 5,000 आदमी मेरे साथ 24 घंटा चलते हैं, वो गरीब मजदूर। कितना पैसा मेरा